कल मैं गया था ब्राडफोर्ड, वहाँ प्रोग्राम था मुफ्ती सैफुल इस्लाम साहब के यहाँ जामिया खातमुन नबीयीन में। तो उसके बाद हम बैठे हुए थे तो मुफ्ती सैफुल इस्लाम साहब वो ख्वाब सुनाने लगे कि इटली में कोई बांग्लादेशी भाई रहते हैं, नेक तबीयत के हैं, तो उन्होंने ख्वाब देखा और उन्होंने बांग्लादेश के मुफ्ती साहब जो उनके मुताल्लिक हैं उनको उसका माना पूछा, ताबीर पूछी, और मुफ्ती साहब ने वो ख्वाब वहाँ बयान किया तो बांग्लादेश में वायरल हो गया वो ख्वाब। तो उसमें उन्होंने ये कहा, भाई मामून उनका नाम है जो इटली में रहते हैं, उन्होंने देखा कि कोरोना वायरस उनके ख्वाब में इंसान की शक्ल में। उन्होंने पूछा तू कौन? कहा कि मैं कोरोना वायरस हूँ। कहा अच्छा तुम कब आए? कहने लगे हम 29 अक्टूबर को आए, जब वो वुहान में फैला ना 23 या 29 अक्टूबर का। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों आए? तो कहा इसलिए कि चाइना वाले ये वीगर मुसलमानों पर बहुत जुल्म कर रहे थे, तो वहाँ एक नेक खातून थी उसका नाम आयशा, बताया आयशा था, उसको 3 चाइनीज मिलकर रेप कर रहे थे। उन्होंने उसके मुंह पे पट्टी मार दी, वो कुछ बोल नहीं सकती थी, तो उसने अपने दिल दिमाग में अल्लाह से कहा कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मुझे क्यों इस तरह मेरी इज्जत लूट रहे हैं, अल्लाह तू मेरी मदद कर। तो अल्लाह पाक ने हमको भेजा, हमने पहले उन 3 चाइनीज़ को ख़त्म किया, वो तीनों उस मरज में मुबतला हुए और ख़त्म कर दिया उनको। और फिर जो उस प्रिजन के गार्ड थे 2 जिन्होंने उनको अंदर भेजा था उनको भी हमने ख़त्म कर दिया। ये ख्वाब में वो वायरस बोल रहा है। और फिर उसको पूछा कि अब तुम्हारा क्या मकसद है, काम है? कहने लगे हम चाइना वालों ने मजालिम किए, चाइना को ख़त्म करके रहेंगे, उसको फ़कीर बना के छोड़ेंगे। और फिर आगे कहाँ जाओगे? कहा फिर हम ईरान जाएंगे, क्योंकि वहाँ कुरान पाक की बहुत बेहुरमती हो रही है, सहाबा की बहुत गुस्ताखियाँ हो रही हैं। उसके बाद हम इंडिया जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत मजालिम हो रहे हैं, उनको भी उनकी मईशत भी ख़त्म करेंगे। मुसलमानों को लगेंगे हमारे यहाँ, क्योंकि वो बांग्लादेशी हैं। तो कहा कि जो मुसलमान दीन पर चलते हैं, वुजू करते हैं, उनको तो हम नहीं लगेंगे, क्योंकि उनके वुजू की चमक हमको नज़र आती है, लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ते हैं और दूसरों से अपना मेल जोल रखते हैं गैर मुस्लिमों से, उनको भी पकड़ेंगे। ये ख्वाब है। अब ये ख्वाब में अल्लाह पाक कभी कुछ इशारे करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया तो अल्लाह की है, अल्लाह चलाते हैं, और अल्लाह पाक के यहाँ मज़लूम की आह जो है पहुँच जाती है, और अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है, शोर नहीं है। अल्लाह पाक जब पिटाई करने पे आते हैं तो आन फान में, जहाँ अल्लाह ने वहाँ नमरूद को एक मच्छर के ज़रिए ख़त्म किया था, तो ये अल्लाह ने इन चाइनीज़ पर एक बैट और एक स्नेक को मुसल्लत कर दिया, एक चिमगाड़ और एक सांप, और उसके ज़रिए ये बीमारी अल्लाह ने उनमें डाल दी। अब उसके असबाब ज़ाहिरी कोई भी हो, कोई कहे मैन मेड है, तो भाई मैन मेड तो और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि भाई इंसान कुछ करता है तो उसको बुखार चढ़ जाता है, गलत चीज़ खा ली तो दर्द सर हो गया, गलत चीज़ खा ली तो बुखार आ गया, या टेम्परेचर ज़रा बढ़ गया तो ये हो गया, कम हो गया तो वायरस फ्लू हो गया। तो ये असबाब के दर्जे में किसी ने कोई शरारत की हो, कोई असबाब की हो, असबाब तो होते हैं, लेकिन उन असबाब के पीछे मुसब्बिबुल असबाब कौन है? अल्लाह की ज़ात है। तो इसलिए ये ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा अजाब आया हुआ है और बहुत बढ़ रहा है, इकोनॉमी पे कितना ये मार पड़ रही है। पेट्रोल की प्राइस सऊदी ने आज घटा दी तो सारी दुनिया में कोहराम मच गया, और क्या होगा? और फिर जो लोग डरे हुए हैं वो ऐसे डरे हुए हैं, खुदा की पनाह, टेस्को और सेनबरी सब ख़त्म हो रहा है, इस्तिंजा करने के रोल नहीं मिल रहे हैं, सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, यानी लोग दीवाने हो गए हैं। अच्छा उसमें उसको पूछा गया, चलो वो तो हम छोड़ देते बहरहाल, लेकिन ये जो बातें हैं ये बिल्कुल यानी ऐसी लग रही हैं कि ये मिन जानिबिल्लाह, उस ख्वाब के ज़रिए से ज़रा कोई बात हमको इशारा किया गया है। और ये चाइनीज़ जो हैं इन्होंने तो बहुत जुल्म किया है। तो
तो उस जुल्म की सजा भुगतेंगे। अब किसने कहा था कितना डंडना रहे थे, इस्लाम को मिटा कर रहेंगे, कुरान नहीं पढ़ने का, रोज़ा नहीं रखने का, भाई ऑफकोर्स लोगों को खिलाते पिलाते थे, और अब वही चाइनीज मुसलमानों को कहते हैं कि तुम वजू किस तरह करते हो, हमको दिखाओ, हमको वजू करने दो। फ्रेंच वाले बुरका पहनने को मना कर रहे थे, अब खुद हुक्म दे रहे हैं कि निकाब पहनो, सब मास्क पहनो, और मुसलमान औरतों भी कि तुम भी पहनो अपने मुँह के ऊपर। तो ये अल्लाह की बात ही अजीब है, अल्लाह की हिकमतें हैं। बहरहाल इस वायरस ने सारी दुनिया को ऊंचा नीच ऊंच नीच पैदा कर दी है, और इसमें ये भी है कि कुछ शरीर लोग जो हैं वो भी काम कर जाएंगे कि अपनी कंपनियों का घाटा नुकसान हो रहा हो, रिडंडेंसी ना देना हो, तो बहुतों को इस बहाने से रिडंडेंट कर देंगे, कंपनी का घाटा कर देंगे, उसको लिक्विडेट कर देंगे कि हमको तो बैंकरप्ट हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ख़त्म। किसी ने आज वो दुबई से वीडियो भेजा, सारी होटलें खाली हैं, दुकानें बंद हैं, परमानेंट बंद हो गई, कितनी होटलें कितनी दुकानें, देखो आ ही नहीं रहा है, वैसे ही बिजनेस बहुत ठप थी और इससे तो और ख़त्म हो गई। और किसी ने आज ये भी भेजा कि भाई सऊदी कोई गया हो तो जल्दी फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाए, क्योंकि इन्होंने बाज़ मुल्कों की फ़्लाइटें बंद कर दी हैं, अब शायद कहीं हमारी भी बंद ना कर दें तो कोई फंस जाएगा वहाँ। तो इसलिए ये सब बहुत हाइप हो रही है, लेकिन हमें भी उसमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वायरस यहाँ भी आ गया है, यहाँ भी कुछ केस हो गए हैं। तो बोल्टन में भी सुना हुआ है, बरी में भी हुआ है, और जगहों पर भी। तो ये कनेक्शन ह्यूमन इंसान से इंसान में ये फैलता है। तो इसलिए कहते हैं कि मुसाफा मत करो, हैंडशेक नहीं। तो चाइनीज वो गाड़ी में से निकला और फुट शेक कर रहा है, एक दूसरे को वह पाँव से मुसाफा कर रहा है। तो हम कहते हैं कि भाई मुसाफा तो मुस्तहब है, असल सुन्नत क्या है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हम लोग बाज़ मतलब हैंडशेक तो करते हैं लेकिन सलाम नहीं करते, तो इसलिए असल सुन्नत मुसाफा मत करो, मुस्तहब है। अभी हालात हैं, वायरस है, तो हैंडशेक ना करो, सलाम करो, वर्बल सलाम कर लो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, जो असल सुन्नत है उस पर अमल कर लो। बाज ने ट्विटर पर यह भी कहा कि भाई अब ये लोग कह रहे हैं कि आपस में एक दूसरे को मिलो तो नमस्ते नमस्ते करो, यूं करके अल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह, यूं हाथ से नमस्ते करने के बजाय हमारा इस्लाम कितना अच्छा है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, पीस बी अपॉन यू एंड अल्लाहस मर्सी एंड हिज ब्लेसिंग्स। कितनी प्यारी दुआ है कि तुम पर सलामती हो, तुम हर बीमारी से सलामत रहो, तुमको कोई बीमारी ना लगे, महफूज रहो, सलामत रहो, और वरहमतुल्लाह अल्लाह की रहमतें तुम्हारे ऊपर बरसें, और बरकातु अल्लाह की बरकतें तुम्हारे ऊपर आए। कितना प्यारा हमारा ग्रीटिंग है और मुलाकात का तरीका है। तो सलाम कर लिया करो, मत करो हैंडशेक मुसाफा अगर ये डर है। अगर किसी को लग गया तो उसको उसके पास खबर लेने के लिए जाओ, नो प्रॉब्लम, मुसाफा मत करना, लेकिन पास बैठ कर उसको तसल्ली देना, भाई ये तो एक छोटा सा फ्लू जैसा है, ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। और हिम्मत दो, हिम्मत दिलाओ उसको, और डरो नहीं कि मुझे लग जाएगा। अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को कुछ नहीं लगता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। मैंने उस दिन जुमा के बयान में कहा कि कुछ अरसा पहले हमारे सूरत में इस तरह का ताऊन आया था, वो तो रियल ताऊन था, ऐसा वो होहा नहीं था ज़्यादा, लेकिन वाकई वो ताऊन था, उसमें कई कई हज़ार आदमी मर गए थे। तो उसमें हिंदू तो सब मुँह पे मास्क पहन पहन के घूमते थे और मुसलमान बिंदास खुले मुँह घूमते थे। हिंदुओं का कोई आदमी मर जाए तो उनको फोन आए कि भाई तुम्हारा आदमी यहाँ मरा हुआ है, तो वो कहते बाबा बाबा बस किसी को पैसा दे दे के जाओ, उसको ले जाके जला दो उसको। खुद उसके रिश्तेदार भी उसको हाथ नहीं लगाते थे, छूट छूट करते थे। और मुसलमानों में कोई मर जाए तो हमारा नंबर दे रखा था कि फलां मस्जिद में फलां महल्ले वालों को फ़ोन करो, अगर कोई मुसलमान मरा हुआ हो वो ये लोग जाते दलेरी के साथ उसकी लाश उठा के लाते, उसको गुसल देते, उसको नहलाते, कफन पहनाते, दफन करते, किसी को कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। मौलाना अजमेरी साहब रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त हयात थे, तो रांदेर में उनके घर के बाहर वो हिंदुओं की लाइन लग जाती थी औरतों की दमशम कराने के लिए, बच्चों को लेकर के खड़ी हैं, पानी का बोतल लेकर खड़ी हैं कि बाबा दम कर दो, बाबा दम कर दो, क्योंकि हज़रत मौलाना ज़रा ऊँचे कद के थे, सफ़ेद बाल थे, गोरा गोरा चेहरा था, खूबसूरत थे, वजाहत थी, एक रौब था हज़रत मौलाना का, उनकी नेकी थी, तकवा था, उसका असर था। तो वहाँ बाहर खड़े रहते थे, पानी पर दम करवा के ले जाते थे। तो हमें तो कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, हम मुसलमान हैं भाई, हमारा तो ईमान यकीन अल्लाह की ज़ात पर है, हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है,
یہ سب خوف ہراس نکال دینا ہے. اگر یہ عذاب آیا بھی ہے تو انشاءاللہ ہم کو کچھ نہیں ہوگا, اور اگر کسی کو کچھ ہوا بھی, فرض کرو اگر لگ گیا اور وہ مر بھی گیا, تو حدیث میں کیا کہا ہے, اس کو شہید کا درجہ ملے گا. کہ طاعون میں جو مر جائے ایسے امراض میں, وبائی امراض میں, اللہ اس کو شہید کا درجہ دیتے ہیں. تو ہمیں گھبرانا کیا ہے, ہمارے تو ہر کام میں خیر ہے, ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ اب بات کہاں سے کہاں چلی گئی, یہ کرونا وائرس جو ہے یہ بھی ایسا لگتا ہے خدا کی طرف سے کوئی بہت بڑی آفت آئی ہے, اور دنیا کو سب نظام اس کا تتر بتر اونچ نیچ اس کے ذریعے اللہ نے آن فان سیکنڈ میں سب کا دماغ درست کر دیا, چنکوں کا بھی دماغ ٹھیک ہو گیا, دل درست ہو گئے. اللہ پاک جو ہے اس آفت مصیبت سے ہمارے سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اور اگر یہ آفت آئی ہے عذاب کی شکل میں تو خدا جن پر مسلط کرنا چاہے, جن کو سدھارنا چاہے, خدا ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے, کچھ سمجھ دے, کچھ مسلمانوں پر رحم کرنے کی توفیق دے, اور ظلم کرنے سے ان کے ہاتھ پکڑ لے اور روک لے ان کو تباہی سے. اللہ پاک ان کو بھی بچا لے, اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما دے. کچھ لوگ ہیں ہانگ کانگ میں مسجد میں آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا وضو کا طریقہ کیا ہے, ہم کو دکھاؤ, ہم بھی اس طرح وضو کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے ویگر کے علاقوں میں جو مسجدیں چائنا والوں نے بند کر دی تھی, وہ مساجد کھول دی کہ تم جاؤ اپنی مسجدوں میں جاؤ نماز پڑھو. تو اللہ پاک کچھ نہ کچھ خیر کا راستہ نکالتے ہیں اس میں بھی. بہرحال تو یہ